मेरा नाम संतोष वाटसन है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है। और मैं हिंदू परिवार से, मैंने प्रभु को जाना है। और मेरी गवाही ये है कि मैं हिंदू परिवार से, जायसवाल परिवार से हूँ और देहरादून डोईवाला की रहने वाली हूँ। और मैं, मेरे पापा, मम्मी और मैं और एक मेरा छोटा भाई था। जब छोटा भाई था तो परिवार में ऐसी चीज़ें हुई कि बहुत सारी चीज़ें करी हुई थी घर में, बहुत सारी चीज़ें परेशानी थी। और उसके बाद 4 साल का मेरा भाई था और उसको सांप ने काटा और वो उसी समय ख़त्म हो गया। और जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद, मैं उस समय प्रभु को नहीं जानती थी, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए। कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ में कैंसर है। और जब मैंने जोली ग्रांड डॉक्टर सैनी करके हैं, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मेरे 2 ऑपरेशन किए हैं और ऑपरेशन के बाद जो मेरी गांठियाँ थी वो बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ गई। और बढ़ने के बावजूद और डॉक्टर ने बोला कि आप 6 महीने के अंदर मर जाओगे, नहीं तो अपना हाथ यहाँ से निकाल दो। तब मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपना हाथ नहीं निकालूंगी, चाहे मैं ऐसे ही मर जाऊँ। उस समय मैंने नीलकंठ से मेरठ तक पैदल यात्रा करी है कांवड़ लेकर। और मेरी मन यही था कि मैं कहीं ना कहीं से ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से थी, पूजा पाठ हर एक चीज़ मैंने किया है। और देहरादून में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं मैं वहां पर भी गई हूं। और वहां जाके मैंने एक ही बात मांगी कि मेरा हाथ ठीक हो जाए तो मैं फिर से यहां पर आऊँगी। और ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं एक समय आया कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई और मैं ये कहकर अपनी मौत मांगने लगी, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी थी, कैंसर था। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और डॉक्टर ने बोला कि आप 6 महीने के अंदर मर जाओ। और मैं उस समय इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी, निराश थी। और मैं उस समय भगवान से, मेरा विश्वास उठ गया और मैंने बोला, मैंने कहा भगवान अगर तू है तो मुझे मतलब मृत्यु दे दे। और मैं लास्ट स्टेज में पहुंची हुई थी और मैं सच में उस समय मैं अपनी मौत मांगती थी। और परिवार वाले भी आते थे और आके बोलते थे इसका मर जाना अच्छा है, ना ये मरने में है ना ये जीने में है। और मुझे भी उस समय इतनी टूट चुकी थी और मुझे लगता था कि शायद मैं अब नहीं बचूँगी, है ना। और मेरे दिन बीत रहे थे और मुझे 3 महीने बचे हुए थे मेरे लिए। और वहाँ पर मैं, हमारे घर के पास में एक भाभी रहती थी और उन्होंने बोला मेरे साथ किराए का कमरा देखने के लिए चलो, तो आप घर में लेटे हो तो थोड़ा मन ठीक हो जाएगा। तो मैं जब अपनी भाभी के साथ वहाँ पर गई और एक घर में गई तो वहाँ पर एक आंटी है, कलावती आंटी, और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रही थी। और उससे पहले मैं सब जगह गई, गुरुद्वारे भी गई, मस्जिद भी गई, मंदिर में भी गई, और क्या बोलते हैं, और कहीं से रिस्पांस नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला। और जब मैं वहाँ पर भाभी के साथ गई तो वहाँ जिस घर में वो आंटी बैठी हुई थी मैं भी वहाँ पर जाकर बैठ गई। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मसीह को जानूंगी, है ना। और मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, आंटी किसी और को समझा रही थी प्रभु के बारे में और मैंने उनको इग्नोर किया। मैंने कहा मुझे उधर तो जाना ही नहीं है और मैंने अपना मन उधर नहीं लगाया। लेकिन जो मेरी भाभी थी उन्होंने आंटी से बात करी और उन्होंने बोला कि आंटी ये लड़की बहुत परेशान है, आप इसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। तो आंटी ने फिर मेरे से बातचीत करी और जब आंटी ने मुझे समझाया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया है, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से 3रे दिन जी उठा। और उस समय मैं नहीं जानती थी और आंटी ने प्रार्थना करी मेरे लिए। और मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी और मैं वहाँ पर रहती हूँ, आप ज़रूर आइएगा। मेरे ट्यूमर थे, इतने बड़े बड़े ट्यूमर थे पूरी बगल में, और ना मैं सो पाती थी और ना मैं कपड़े ढंग से पहन पाती थी। और इतने ज़्यादा ट्यूमर थे कि ऐसा लगता था कि अगर जैसे फट गया तो मतलब बहुत सारा ब्लड वगैरह निकलेगा। लेकिन पूरा मुंह बना हुआ था कैंसर का और पूरा यहाँ पर था, ये पूरा बगल इतनी बड़ी बड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब मैं वापस जाने लगी, मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मैं वहाँ पर रहती हूँ, आप ज़रूर आइएगा। तो आंटी ने बोला ठीक है बेटा, मैं ज़रूर आऊँगी। और जब मैं वापस जाने लगी तो मेरे मन में 2 बात आई, क्योंकि बोलते हैं कि अपना धर्म छोड़ना यानी कि अपना बाप बदल दिया, क्योंकि हम हिंदुओं में बोलते हैं। और उसके बाद एक बात ये भी आई, प्रभु ने डाली कि अगर मैं लास्ट स्टेज में हूँ क्यों ना मैं विश्वास करके देखूँ। और जब मैं वापस गई घर,
तो मेरा उसके बाद एक भाई है, छोटा भाई है, और जो मैंने बताया आपको 4 साल का मेरा भाई था, उसे सांप ने काटा था, वो उसी समय ख़त्म हो गया। फिर प्रभु ने एक दूसरा भाई भी दिया और उसकी अचानक बहुत ज़्यादा कुछ समय के बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और मुझे डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी भाई मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहले जो भाई ख़त्म हुआ उसको मैंने देखा था, और जब मुझे ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ख़त्म हो जाए या इसके ये भी मर जाए, तो उसी समय आंटी आई और आंटी ने बोला कि क्या बोलते, मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप मेरी भाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि इसको बुखार है और पेट दर्द है और बहुत ज़्यादा लूज मोशन भी लगे हुए हैं। तो मैं वहाँ आंटी ने बोला कि बेटा कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगी, लेकिन तू इसके लिए खुद प्रार्थना करना और हाथ पे तेल लगाना और उसके पेट पे रखना और बोलना यीशु मसीह आप मेरे भाई को छुए और चंगाई दे। और आंटी चली गई और वो ठीक नहीं हुआ, तो आंटी ने जैसा मुझे बताया था मैंने हाथ पे तेल लगाया, उसके पेट पे रखा और मैंने बोला यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु आप इसे छुए और चंगाई दे, सिर्फ इतना ही बोला और उसके बाद बोला मैंने आमीन और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने उसी समय उसे छुआ और चंगाई दी। तब मेरा विश्वास बढ़ा कि सच में प्रभु है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसको जवाब देता है। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में वहाँ से कार्य करना शुरू किया। और जब मैं धीरे धीरे प्रभु में फिर मैं आंटी के साथ प्रार्थना में संगति में वचन में बढ़ने लगी, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उस समय मेरे 1999 मैंने प्रभु को जाना था, और उसके बाद में 2000 में मैं बाइबल टॉर्च बेरर के लिए आई यहाँ पर देहरादून में जो है, और वहाँ पर मैंने प्रभु के बारे में और जाना, क्योंकि मेरी इच्छा यही थी कि मैं प्रभु के बारे में और जानूँ। और जब मैं वहाँ पर आई और बैठ और वहाँ पर मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। मुझे कुछ नहीं बाइबल के बारे में पता था, वचन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैं वहाँ पर आई तो परमेश्वर ने मुझसे बोला और बातचीत करा, और मैं जो थी मैं अपनी सब चीज़ खो चुकी थी, मेरे पास कोई मतलब उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी होगी, मेरा परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब मैं टॉर्च बेरर में आई और वहाँ पर परमेश्वर के दास आए थे वहाँ पर, और वहाँ उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरे मन में डाला है। और मैंने यही बोला उनको, मैंने कहा आपको जो भी बात करनी है, आप मेरी जो आत्मिक माँ है कलावती आंटी, तो आप उनके पास जाएं, आप उनसे बोलें और बातचीत करें, और जो वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और जब ये वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके सारी बातचीत हुई, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रभु ने मेरे लिए योजना बनाई। और आंटी ने इन्हें बता दिया था कि लवी की उनके हाथ में कैंसर है और हमें नहीं पता कि वो कब तक जिंदा रहेगी, क्योंकि मेरे मन में यही बात थी, मैं नहीं जानती थी कि मैं कब तक जिंदा रहूँगी। और उन्होंने आंटी ने सब चीज़ें बताई उनके मेरे बारे में, और इन्होंने बोला कि नहीं, कि प्रभु ने मेरे मन में काम किया है और प्रभु ने मुझे बोझ दिया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। और उसके बाद कुछ समय के बाद 2002 में लास्ट 31 दिसंबर में मेरी शादी हुई, और प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया जहाँ मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी और मैं अपनी मौत को मांग रही थी, वहाँ यीशु मसीह ने मुझे एक नया जीवन दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वचन में लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में मैंने परखा और प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। और जब हमारी शादी हो गई, जब मैं अपने ससुराल में गई और उसके बाद हम देहरादून आए थे मीटिंग में, वहाँ पर एक आंटी है, मैं उनके उन्होंने मेरे से बातचीत करी और उन्होंने बोला कि बेटा आपका हाथ कैसा है, तो मैंने कहा आंटी अभी मेरा हाथ ठीक नहीं है, तो आंटी ने बोला बेटा आज से तू बोलना कि प्रभु धन्यवाद मेरा कैंसर खत्म हो गया है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस समय से मैं बोलने लगी, जब मैं वापस अपने ससुराल गई और वहाँ जाके बोलने लगी प्रभु धन्यवाद मेरा ट्यूमर गायब हो रहे हैं, प्रभु धन्यवाद मेरा ट्यूमर गायब, मैं हाथ रखती थी ऐसे बोलती थी प्रभु धन्यवाद कि मेरे ट्यूमर गायब हो रहे हैं, प्रभु धन्यवाद मेरा कैंसर खत्म हो रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने 2004 से प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू करा और वो ट्यूमर अपने आप धीरे धीरे कम होते चले गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, और आज मुझे 23 साल पूरे हो चुके हैं प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में काम किया है, और आज मैं प्रभु की सेवा करती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, एक वचन में
लिखा है कि जो कुछ भी तुमने मांग लिया है प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है। कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते इसलिए हमें मिलता नहीं, लेकिन मैंने वचन पढ़ा और मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि प्रभु ने मेरे कैंसर को खत्म किया है, मैं ट्यूमर को गायब किया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मेरा ट्यूमर गायब हो गए। मेरा हाथ पहले बिल्कुल सीधा रहता था, बिल्कुल उठ नहीं पाता था, इतना भी नहीं मुड़ पाता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और आज वो इतना हाथ मुड़ रहा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे हाथ को पूरी रीति से चंगा कर दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, 2006 में हम गढ़वाल में आए और वहाँ पर प्रभु की सेवा हमने शुरू करी है। और मेरे मन में ये बोझ था क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा सब चीज़ है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया कि मुझे प्रभु ने कैंसर से आज़ाद किया, वैसे ही मेरी यही प्रार्थना है लोगों के लिए कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करे। जो अपनी निराशा में हैं, जो अपनी मौत को मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए नया जीवन देने के लिए तैयार है। जैसे प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस जगह से निकाला और प्रभु ने आज मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं हूँ और मेरे हस्बैंड पास्टर लवी वॉटसन और मेरी एक बेटी है रुचि वाटसन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने जहाँ मैं उम्मीदें खो चुकी थी प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अभी तक सुरक्षित रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सच में, और मैं इसीलिए ये गवाही दे रही हूँ, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, भाई होंगे जो इस समस्याओं से गुजर रहे होंगे, हो सकता है कैंसर से, हो सकता है और बीमारियों से, और वो इलाज कर करके थक चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एक बार प्रभु को जाने, प्रभु के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने मेरी परिस्थितियों को बदला और प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। बस यही है कि आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, क्योंकि आपके जीवन में भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना होगी। जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में एक योजना को रखा और उसने मेरे जीवन में कार्य किया और आज मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मिलके प्रभु की सेवा करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत सारी गवाहियाँ मेरे जीवन में हैं कि प्रभु ने काम किया। और दो गवाहियों को मैं बताऊंगी कि जब हमने सेवा शुरू करी और वहां पर एक भाई है और परमेश्वर ने उनको ब्लड कैंसर से छुटकारा दिया है। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उस भाई को छुआ और संपूर्ण रीति से चंगाई दिए। आज उस भाई के पास एक बेटा है, पत्नी है, बच्चे हैं और प्रभु ने उन्हें आशीष दिए। एक भाई और हैं, उनके जीवन में भी प्रभु ने काम किया। उन्हें पेट में कैंसर हुआ था और प्रभु ने जब मैंने उनको अपनी गवाही शेयर करी और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उन भाई के जीवन में भी काम किया और वो लास्ट स्टेज में पहुँच चुके थे और वो रो रहे थे। और जब मैंने बताया उन्हें तो सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो अपने परिवार में सुरक्षित है और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और क्योंकि प्रभु ने मुझे उस परिवार से निकाला और प्रभु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं धन्यवाद करती हूँ सबको। जय मसीह।